आज हम करते हैं क्लास नाइन्थ चैप्टर इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री का तो का एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर यूक्ट्री काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है तो ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको हंड्रेड होना चाहिए तो देखिए क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि एक पॉइंट है सी एंड जो ये पॉइंट है सी वो पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच में कहीं पर लाई करता है एंड हमें गिवन है कि ए से सी का डिस्टेंस एंड बी से सी का डिस्टेंस इक्वल है यानी कि ए सी इक्वल टू बी सी है हमने प्रूव करना है कि जो ए सी है वो हाफ ऑफ ए बी होगा और हमने एक्सप्लेन करना है बाय ड्राइंग द फिगर यानी कि हमने फिगर बनाते हुए इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करना है तो चलिए सबसे पहले फिगर बनाते हैं क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं तो देखिए यहां पर हमारे पास में एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट यहाँ पर है हमारे पास में बी ठीक है अब हम ए एंड बी को मिलाकर के लाइन ड्रॉन कर लेते हैं बीच में यहां पर पर कहीं सी पॉइंट बना लेते हैं, ठीक है क्वेश्चन में हमसे कहा गया है ए से सी का जो डिस्टेंस है ए से सी का जो डिस्टेंस है वो बी से सी के डिस्टेंस यानी कि बी से सी के डिस्टेंस के इक्वल है ए से सी का डिस्टेंस बी से सी के डिस्टेंस के इक्वल है ये दोनों ही डिस्टेंस आपस में इक्वल है हमने प्रूव करना है जो ए सी है ए सी है वो हाफ ऑफ ए बी होगा हमने प्रूव करना है कि जो ए सी है वो इस पूरे ए बी का हाफ होगा ये हमने प्रूव करना है ठीक है तो चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं अब देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन है एसी इक्वल्स टू बी सी इसको यहां पर नोट डाउन कर लेते हैं हमें क्वेश्चन में गिवन है ए सी इक्वल्स टू बी सी ठीक है ये हमें क्वेश्चन में गिवन है तो इसके आगे हम गिवन लिख भी लेते हैं अब देखिए आपने अच्छी तरीके से याद रखना है अगर दो चीजें इक्वल हैं ठीक है अगर दो चीजें इक्वल हैं अगर हम इन इक्वल चीज़ों में इक्वल को ऐड करते हैं तो जो पूरा यहां पर बनेगा वो भी आपस में इक्वल होगा ठीक है बस इसी कॉन्सेप्ट पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ठीक है इसी कॉन्सेप्ट को लगा करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो देखिए ए सी जो है वो इक्वल्स टू बी सी है ये दोनों ही आपस में इक्वल है ठीक है हम इन दोनों में इक्वल ऐड करेंगे तो हम इन दोनों में एसी को ऐड करेंगे यहां पर भी ऐड और यहां पर भी हम ए सी एड कर लेंगे ए सी बी सी इक्वल में हमें है। दोनों में हमने इक्वल ऐड कर दिया दोनों में हमने ए सी कर दिया ठीक है तो जब हम इक्वल में इक्वल को ऐड करते हो तो इक्वल ही आता है इसको यहां पर भी लिख भी लेते हैं लिखते हैं इफ इक्वल आर एडेड टू द इक्वल्स अगर हम इक्वल्स में इक्वल्स को जोड़ते हैं द होल आर इक्वल्स द होल्स आर इक्वल जो पूरे बनते हैं वो भी बराबर होते हैं तो आपने अच्छी तरीके से याद रखना है अगर हम इक्वल्स में अगर हम इक्वल्स में इक्वल्स को जोड़ेंगे तो जो ये पूरा बनेगा जो ये पूरा बनेगा वो भी आपस में इक्वल होगा है ना इसी कॉन्सेप्ट पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं ना अब देखिए ए सी प्लस ए सी हमारा हो जाएगा टू ए सी है ना ए सी प्लस ए सी होता है टू ए सी अब बी सी प्लस ए सी करते हैं देखिए हमारे पास में है बी सी एंड ए सी हमने इनको ऐड करते हैं तो बी सी तो ये रहा ये बी सी है और ये ए सी है अगर हम बी सी और ए सी को ऐड करेंगे तो ये पूरा बन जाएगा ए बी तो अगर हम बी सी और ए सी को ऐड करेंगे तो बन जाएगा ए बी यहां पर ये बन जाएगा ए बी अब देखिए यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में है टू ए सी हमें चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में ए सी क्योंकि यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में जहां पर हमने प्रूव करना वहां पर लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ ए सी है टू ए सी नहीं है तो यहां से टू हटाना पड़ेगा तो क्या करते हैं टू हटाने के लिए हम यहां पर जो टू ए सी है इसको टू से डिवाइड कर लेते हैं ठीक है थीके? अब लेफ्ट हैंड साइड को टू से डिवाइड करेंगे तो राइट हैंड साइड में भी जो है ए बी इसको भी टू से डिवाइड करना पड़ेगा अब देखिए टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में रह जाएगा ए सी एंड राइट हैंड साइड में है ए बी अपन टू तो जो अपॉन टू है इसको हम लिख सकते हैं बन अपॉन टू एंड साथ में यहाँ पर ए बी है तो ए बी को यहाँ पर लिख लेंगे तो हमारे पास में आ गया ए सी इक्वल्स टू हाफ ए बी और यही हमने क्वेश्चन में प्रूव करना था कि जो ए सी है वो इक्वल्स टू हाफ ए बी होगा और ये यह, और यहाँ पर ये यह प्रूव्ड हो गया तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर